भावलोक राइट नाउ इंडियन सिनेमा में ऐसा जबरदस्त रस चल रहा है ना, पिछले 8-10 दिनों में इतना ज्यादा कंटेंट आया है, वेब सीरीज भाई सब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जबरदस्त जबरदस्त मूवीज आई हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, वेब सीरीज आई हैं, थिएटर हाउस में मूवीज आई हैं, देन उसके बाद वैसे इसी बीच में बड़े बड़े ट्रेलर रिलीज हुए हैं बड़ी बड़ी मूवी के, लाइक स्त्री 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ, देन उसके बाद अभी वुल्वरीन एंड द डेडपूल का जो फाइनल ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो भाई बहुत कुछ रस चल रहा है, लोगों के पास इतना सारा कॉन्टेंट है। इस बीच ऐसी मूवीज भी हैं भाई जो एड्रेस करती हैं खुद को कि भाई हमें देखो क्योंकि हम एक बेहतरीन कंटेंट लेके आए हैं, लेकिन भाई वो इस भीड़ में कहीं ना कहीं दबके रह जा रही है और बड़े चुपके चुपके धीरे से निकल के जा रही है। भाई मैंने आसानी से जाने नहीं दिया, भाई तुम्हारा सुपरमैन है, मैंने कहा भाई तेरे को ऐसे जाने नहीं देंगे क्योंकि मूवी दमदार है, कॉमेडी ड्रामा का जबरदस्त फाइन तड़का लेके चल रही है, तो इसको तो बाबा शेयर करने को मांगता ही है क्योंकि ऐसे कंटेंट आ नहीं रहे हैं भाई बॉलीवुड में, और बॉलीवुड की शान यही एकाद ऐसी अंडरडॉग मूवी है जो बचाती है, लेकिन बाबा इनमें ना कोई प्रमोशनल स्ट्रेटजी होती है ना कुछ होती है, दैट्स व्हाई कि लोगों को पता तक नहीं होता, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। वाइड वाइड पंजाब करके मूवी आई है, पंजाब का सीन देखने को मिलेगा जिसपे वहाँ पर आपको भाई अपने चूचा द ग्रेट वरुण शर्मा देखने को मिलने वाले हैं, सनी सिंह देखने को मिलने वाले हैं, प्यार का पंचनामा सोनू की टीटू का टीटू वाला, देन उसके बाद भाई जस्सी गिल अपने सिंगर देखने को मिलने वाले हैं एंड अपने मनजोत सिंह बाबा फुकरे वाले, तो फुकरे के मेन दो लीड स्टार देखने को मिलेंगे चूचा द ग्रेट एंड मनजोत सिंह। भाई ये चारों की जो जोड़ी नहीं कहेंगे चौगड़ी जो आग लगा के जाएगी पूरी मूवी में, भाई स्टोरी लाइन कोई ज़्यादा कोई साइंस फिक्शन नहीं है, सिंपल स्टोरी है लेकिन कॉमेडी का ड्रामा का जो पंच दे के जाएगा ना भाई, लव रंजन इसके क्रिएटर हैं मेकर हैं, और लव रंजन भाई साहब अपने कंटेंट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे प्यार का पंचनामा उठा के देख लो, सोनी की टीटू स्टोरी उठा के देख लो, और भी ऐसी मूवी भाई वो हमेशा भाई साहब लव रंजन का है कुछ अलग सा, मतलब इनका है कि यार कॉमेडी ड्रामा भी लेके आएंगे उसमें लव एंगल भी घुसेड़ देंगे और एक जबरदस्त लॉजिकल लाइफ जो अपने साथ चल रही है भाई साहब वो दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ गाली गलौज भी इसमें भरपूर देखने को मिलने वाली है, वो पंजाब का वो सटायर दिखाने की कोशिश करी है जो हाँ एज यूजुअल चलता है यार, लाइक तेरी बुंड फाड़ दूंगा पैंचो ये वो, मतलब खुल के इस्तेमाल कर रखा है भाई, बहुत मजा आएगा बहुत मजा आएगा, मूवी में फुल कॉमेडी है, फुल ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी का एक छोटा सा पहलू बता दूं जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि मूवी में क्या होने वाला है। चूचा द ग्रेट की होती है गर्लफ्रेंड जो उसकी बॉस के साथ फंस जाती है और वो चीट करते पकड़ लेता है, देन उसके बाद वो अपने बॉस से शादी करने लग जाती है, और यहाँ पर भाई चूचा द ग्रेट डिप्रेशन में जा चुका होता है और जो उसके बाकी के 3 लफंडर दोस्त हैं वो इसको मोटिवेट करते हैं कि भाई तू ऐसे जाएगा नहीं डिप्रेशन में, तेरे को उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई तू उसे छोड़कर भी खुश है, यानी तुझे उसे खुद सामने जाकर बोलना पड़ेगा कि आई एम ओवर यू, और भाई पठानकोट के लिए ये जर्नी उनकी स्टार्ट हो जाती है, और बस यही इसी जर्नी में जो उनके लौड़े लगेंगे भाई शुरुआत से लेके लास्ट तक, वो एक एक चीज भाई मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत बहुत कॉमेडी देखने को मिलेगी, हर 2-4-5 मिनट बाद आप हंसते नजर आओगे भाई, आपको लगेगा नहीं एफर्ट नहीं मारोगे क्योंकि बहुत सी कॉमेडी मूवी में आपको एफर्ट मारने पड़ते हैं, लेकिन नहीं बाबा आपको यहाँ एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, ऐसी ऐसी अतरंगी चीजें होंगी उनके साथ में, जबरदस्ती की वो उड़ते तीर उनके लगेंगे भाई और उनको ही लगेंगे, जबरदस्त है भाई स्टोरी लाइन तो दमदार है, लास्ट में पठानकोट पहुंच के वो कहता भी है, तो ऐसा सिंपल सी ये स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है और ढेर ढेर सारा कॉमेडी का पंच आपको देखने को मिलने वाला है, वही जो प्यार का पंचनामा में फॉलो करके गया है, वो सोनू की टीटू में फॉलो करके गया है, हेरा फेरी में फॉलो करके गया है, हंगामा मूवी में फॉलो करके गया है, और चुप चुप के मूवी में फॉलो करके गया है, जो भाई जहां पर आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा था वही मजा आएगा भाई, मूवी बहुत दमदार है, जाके जरूर देखो ऐसी मूवी भाई, मैं तो हंसते हंसते पागल हो गया था भाई बहुत। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसका वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।